हे गाइस, एक नया रिक्वायरमेंट निकला है DFCCIL रिक्वायरमेंट 2021। राइट, एक गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट जॉब है जिसका तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यार जहाँ 1000 पोस्ट है उसमें भी बहुत सारे बंदे तो एज के कारण ही छट जाएंगे। अभी मैं बताऊँगा एज क्या फैक्टर है इसके लिए। अगर तुम्हें पहली बार तो फुल फॉर्म नहीं पता है कि DFCCIL क्या है, तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक रिक्रूटमेंट निकाला है जिसके थ्रू, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब है, एक रेलवे की जॉब ही है जिसमें तुम्हें काम करना होगा, है ना। जैसे एक चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि पहली बात तो 24 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 23 मई 2021 तक इसका लास्ट डेट है। 23 मई तक तुम 23 मई 23 बज के मतलब 11:59 तक तुम फॉर्म भर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म भरना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान सा है प्रोसीजर है। यहाँ पर भी डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से भी जा सकते हो, या सिंपली सरकारी रिजल्ट.com या DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आराम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से तुम आसानी से जाकर इसको पढ़ भी सकते हो और वहाँ से फॉर्म भी भर सकते हो, देख सकते हो ना। एग्ज़ाम टेंटेटिव जून में तुम्हें लगता है टेंटेटिव जून में ही इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता है कि ये, ऑफ कोर्स इसका एग्ज़ाम TCS नहीं कराएगी, इसमें ये तो श्योर है। इसका एग्ज़ाम कोई और भी कंपनी कराएगी, TCS इसका एग्ज़ाम नहीं कराने वाली है। लेकिन फिर भी यार इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि अभी ऑलरेडी इतने जो RRC ग्रुप डी है, RRB NTPC है, ये अभी खुद ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। इतने सारे पोस्ट हैं, देख सकते हो, है ना। इतने सारे हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल BD सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नेट मैकेनिकल, यू नो इलेक्ट्रिकल BTEC वगैरह अगर तुम हो। लेकिन एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे मैंने बोला कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बंदे तो एज के लिए चल जाएंगे, और बहुत बंदों ने इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, सिग्नल सब में BTEC तो किया, लेकिन उनको उनका जैसे इलेक्ट्रिकल का ई तक नहीं आता, मैकेनिकल का एम तक नहीं आता, सिविल का सी तक नहीं आता। खासकर वो बंदे जो 3-4 साल पहले से ऑलरेडी BTEC कर चुके हैं, वो बिल्कुल भूल चुके हैं। यही एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि जो RRB इसका जो निकला था यार ड्राइवर के लिए, उसमें बहुत बंदे सिर्फ इसलिए छट गए थे क्योंकि वो सेकंड बी पार्ट क्लियर कर नहीं कर पाए थे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न तो है ही यार इसमें भर के भी अगर तुम, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यार एक तो ये 1000 पोस्ट है, कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ही, प्लस आता जाता तो होगा नहीं तुम्हें यार। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसे ही तुम ये कर लोगे, क्रैक कर लोगे? और मिनिमम 42 नंबर आना ही चाहिए। अगर तुम 42 नंबर से कम आ रहा है CBT 1 में, एक्चुअली एक ही है, तो रेलवे कंसीडर भी तुम्हें नहीं करेगा। राइट, तो एक बहुत बड़ा ये है जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स पे स्केल तो अच्छा है ही, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह सिर्फ पे स्केल भी, ये सब तो तभी मिलेगा ना जब तुम इसके लिए एलिजिबल भी होगे और काम करने के योग्य भी होगे। अब बहुत सारे चीज़ों के लिए, जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए 60% से कम नहीं चाहिए BTEC या ग्रेजुएशन, जैसे BTEC है, ग्रेजुएशन है, जो डिप्लोमा वाले, जो BTEC वाले हैं वो डिप्लोमा वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो डिफरेंट
जैसे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन के लिए डिप्लोमा इन 3 ईयर्स इन ऑल है, ये सब तुम पढ़ के खुद से ये कर सकते हो। लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से तुम डायरेक्ट जा सकते हो, या खुद भी DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ या sarkarireal.com पर जाओ, उस पर ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करो और पढ़ सकते हो। एज जो लिमिट मैंने बताया है जूनियर मैनेजर के लिए 27 ही है, इन सब के लिए 30 है। बहुत बंदों की ऑलरेडी 30 क्रॉस हो चुकी है, और अभी रेलवे के जॉब के कारण ही बहुत बंदे परेशान हैं इसमें। कुछ अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, तो एज तो बैठा हुआ नहीं है ना, एज तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है यार, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो बोलूँगा यार, एक और चीज़ बहुत बड़ी बात है यार, कि 1,000 रुपये यार जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे मिनिमम 700, उसके लिए एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, है ना। तो 1,000 रुपये, 900, 700, इतना ज़्यादा फॉर्म की दाम हो गया। लॉकडाउन चल रहा है अभी, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस है, तो बहुत सारे रीजन्स है, इतना फ़ी नहीं रखना चाहिए था। मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 500 से ज़्यादा तो कहीं से भी रखना सही नहीं था। तो यही सब चीज़ें हैं यार, और पता चल ही गया होगा तो देख लो, अगर एलिजिबल हो फॉर्म भरना चाहते तो प्रिपरेशन है लगता है, मतलब कि तुम अगर मान लो बीटेक वगैरह से के पे फॉर्म भर रहे हो, जैसे जूनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिग्नल पे कर रहे हो, तो मेक श्योर कि यार तुम्हें आता हो, सिर्फ फालतू में सिर्फ फॉर्म भर दोगे और सोचोगे कि एग्ज़ाम सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, और ध्यान दोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल ही है यार, क्योंकि यार आना भी तो चाहिए ना, आना भी तो चाहिए, और तुक्के में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है भाई, तो एक बहुत बड़ी रियलिटी है। चलो यार, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो।